मोहम्मद यूसुफ ने भी एज ए चीफ सिलेक्टर जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। मौसम भाई, इसके पीछे भी कोई कहानी है कि मोहम्मद यूसुफ भी शायद सिलेक्शन से खुश नहीं थे? यार क्या बात कर रहे हैं यार, आज मुझे ना आपके ऊपर कुछ, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत कुछ खराब है अली भाई, कुछ मसला है आज लगता है आपके साथ। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ना आप क्या इनपुट दे रहे हैं। ओ भाई मेरे, ये मोहम्मद यूसुफ माशाल्लाह इतना समझदार इतना चलाक आदमी है, मेरे आप जैसे को खड़े खड़े भेज दिए हमें पता भी ना चले। अच्छा भाई, वो सिलेक्टर था ना, सिलेक्टर छोड़ा, बाकी तो पैसे पूरे मिलेंगे, बाकी जो कोच मोच के रोल है वो सब है। इंग्लैंड से जब आप जलीलो खार होंगे वो क्या कर, मैं तो इस सिलेक्शन में शामिल ही नहीं था, बात को समझे। जैसे इंजमामुल हक अपना बेटा खिला जाता है, रजाक अपना बेटा खिला जाता है, तो इसी तरह मोहम्मद यूसुफ भी अपने बेटे खिला जाता है। वो भाई जान, ये बड़े समझदार लोग हैं, नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, आप इनकी अकल को दाद दें, आप इनकी चलाती यारी को अप्रिशिएट करें। ये लूमड़ियां है, हमें इनसे सबक लेना चाहिए। लेकिन मौसम भाई, थोड़ा लोमड़ी लफ्ज थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं हो गया? भजन चलाक आदमी के लिए होता। अच्छा आप शेर गा दे अभी, ठीक है? चले ठीक है, फिर सही है। अच्छा मौसम भाई, शेर गा दे भजन।